हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सान ऑटो। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में आने वाली कुछ क्रूजर बाइकों के बारे में। इन सभी बाइकों का टेस्टिंग इंडिया में बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और कुछ बाइकों का तो टेस्टिंग शुरू भी हो चुका है जो आने वाले 2 से 3 महीनों में इंडिया मार्केट में लॉन्च होते हुए दिख जाएगा आपको। अगर आप जल्द ही कोई क्रूजर बाइक लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ क्रूजर बाइकों के फीचर्स, लॉन्चिंग डेट और प्राइस के बारे में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारे लिस्ट की पहली बाइक बिल्कुल कंफर्म है जो 2021 के लास्ट तक आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी और ये बाइक का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है इंडिया मार्केट में। तो चलिए बात कर लेते हैं रॉयल इनफील्ड के 100 350 की। ये बाइक बहुत बार स्पॉट हो चुकी है टेस्टिंग के दौरान। ऐसे में इस बाइक के लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक 3 से 4 महीने में लॉन्च हो जाएगी इंडिया मार्केट में। तो आने वाले टाइम में अगर आप कोई भी क्रूजर बाइक लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बाइक आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा क्योंकि इस बाइक का डिज़ाइन पूरी तरह से इंस्पायर्ड किया गया है इंटरसेप्टर 650 से, जो लुक के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा इस सेगमेंट में आने वाली क्रूजर बाइकों से। तो चलिए अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। ये बाइक में आपको 349cc सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ऑयल कूल इंजन देखने को मिल जाएगा जो मीटियोर 350 में आपको देखने को मिलता है, जो मैक्सिमम 20.4 bhp का पावर प्रोड्यूस करेगा 6100 rpm पर और मैक्सिमम 27 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 4000 rpm पर। इस पावर के साथ ये बाइक 110 टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और दोस्तों, बात करें बाइक के फीचर्स की तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा आपके सेफ्टी के लिए। मीटर कंसोल इसका एनालॉग प्लस डिजिटल रहने वाला है जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज और टाइम शो हो जाएगा। इसी के साथ आपको एडजस्टेबल विंडस्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। मेन फीचर्स में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलने वाला है रॉयल इनफील्ड हंटर में, जो कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था मीटियोर 350 में, लेकिन रॉयल इनफील्ड अब अपने सारे बाइकों में ये फैसिलिटी इंक्लूड कर रहा है। दोस्तों, इस बाइक के फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और बैक में गैस ट्विन सस्पेंशन देने वाला है और इसमें 17 इंचेस का ओली व्हील्स के साथ ट्यूबलेस टायर दिया जाएगा जिसका साइज फ्रंट में 100x90mm और रियर में 140x70mm रेडियल टायर होने वाला है। चलिए बात करते हैं बाइक के प्राइसिंग के बारे में। ये बाइक 1.70 से 1.80 एक शोरूम प्राइस में अवेलेबल हो जाएगी। लॉन्च होने के बाद ये बाइक बहुत अच्छा कंपटीशन देगी जावा 42 जैसे 350cc क्रूजर बाइकों को। अब बात कर लेते हैं आज के लिस्ट की दूसरी बाइक कावासाकी W175 के बारे में। कुछ टाइम पहले कावासाकी ने कंफर्म कर दिया था ये बाइक आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगी इंडिया में। काफ़ी समय बाद कावासाकी ने डिसाइड किया है वो अपने बजट सेगमेंट की सारी बाइकों को इंडिया मार्केट में लॉन्च करेगी। उन बजट सेगमेंट में कावासाकी W175 का नाम सबसे पहले आएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस बाइक के फीचर्स, लॉन्चिंग डेट के बारे में और किस प्राइस में ये बाइक कब तक आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी। कावासाकी W175 में 177cc का एयर कूल सिंगल सिलेंडर SOSC इंजन का यूज़ किया गया है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी 13 bhp का 7500 rpm पर और 13.2 nm टॉर्क 6500 rpm पर जनरेट करेगी। इस पावर के साथ ये बाइक 110 तक की टॉप स्पीड जा पाएगी। दोस्तों, बात करेंगे फीचर्स वगैरह की तो इसमें 5-स्पीड ट्रांसमिटर गियर बॉक्स मिल जाएगा और डुअल चैनल ABS रहने वाला है आपके सेफ्टी के लिए। बाइक में विंटेज टाइप का एनालॉग कंसोल होगा जिसमें आपको सभी बेसिक चीज़ें शो हो जाएंगी। इसके सस्पेंशन की बात करें तो कावासाकी ने इसके फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फॉर्क और रियर में डुअल एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर का यूज़ किया है। अगर डिज़ाइन की तरफ ध्यान दिया जाए तो कावासाकी W175 को काफ़ी अच्छी फिनिशिंग वाला डिज़ाइन दिया गया है जो कि लॉन्च होने पर 3 कलर ऑप्शन के साथ मिलेगा, ग्रे, रेड और येलो। और आपको बाइक में 13.5 फ्यूल कैपेसिटी वाली टैंक मिल जाएगी। ये बाइक आपको 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में। चलिए बात कर लेते हैं बाइक के लॉन्चिंग और प्राइसिंग के बारे में। इस बाइक के टेस्ट ड्राइविंग शुरू हो जाएगी 2 से 3 महीनों में और टेस्ट ड्राइविंग के बाद ही सेप्टेम्बर और अक्टूबर के बीच तक ये बाइक आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी। ये बाइक आपको 1.50 to 1.70 lakh एक शोरूम प्राइस में मिल सकती है। दोस्तों, हमारे लिस्ट की तीसरी और आखिरी बाइक है बेंटली की 502C। ये बाइक का इंडिया में 8 जुलाई से प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुका है और आप सिर्फ 10,000 रुपीज़ देकर इसको बुक कर सकते हैं बेंटली के वेबसाइट पे जाकर।
न्यू बेंटली 502C मूल रूप से SRV 500 का रिवेस्ड वर्जन है, जिसका 2020 में स्पाई इमेज लीक हुआ था। ये रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650 और कावासाकी वेलकन एस के कंपटीटर के रूप में सामने आने वाला है। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे इस बाइक के लुक और फीचर्स के बारे में, उसके बाद बात करेंगे ये बाइक कौन से प्राइस में कब तक इंडिया में लॉन्च होगी। इसमें आपको फ्रंट साइड फुटपैड और वाइड हैंडल बार मिलेगा, जिस वजह से ये बाइक एक परफेक्ट क्रूजर लुक देता है। दोस्तों, और ये बाइक सिंगल राइडिंग के हिसाब से बनाया गया है। लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग में राइडर के कंफर्ट के लिए कंपनी ने इसमें सिंगल सीट के साथ बैक सपोर्ट भी दिया है। नई 502C क्रूजर के मोस्ट डिटेल्स अभी रिवील होनी बाकी है। उम्मीद है कि नई बाइक SRV 500 के समान 500cc पैरेलल ट्विन इंजन के साथ आने वाली है। अगर इस बाइक के पावर के बारे में बात करें तो इसमें 47 BHP का पावर 8500 RPM पर और 46 Nm का मैक्स टॉर्क 6000 RPM पर मिलता है, और साथ ही ये 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है। दोस्तों, अगर इसके फीचर्स की तरफ देखें तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल्ली डिजिटल होने वाला है, जिसमें ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और टाइम शो हो जाएगा। अदर की फीचर्स के तौर पे इसमें फुल्ली LED लाइटिंग सेटअप, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन मिलने वाला है। बाइक के फ्रंट साइड 280mm डुअल डिस्क विद अपफ्रंट राइडिंग कैलिबर एंड रियर में 240mm सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ आता है, और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसमें डुअल चैनल ABS भी दिया गया है। अगर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इसके फ्रंट में USD फॉर्क और रियर में मोनोशॉक सस्पेंसर का यूज़ किया गया है। ऐसे तो ये बाइक जुलाई लास्ट तक लॉन्च हो जानी चाहिए, क्योंकि इस बाइक की प्री बुकिंग 8 जुलाई से ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। और आप में से कौन कौन इस बाइक को प्री बुक कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहा जा रहा है कि इसका प्राइस 5 लाख एक शोरूम रखा जाएगा, जो कंप्लीट करेगा रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650 एंड कावासाकी वेलकन एस से। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।